Hello students, very good morning to all of you. Today I will going to teach you Sanskrit. हमने वंदना में सबसे पहला श्लोक लर्न कर लिया था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे श्लोक नंबर ये सेकेंड से. ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं सेकेंड श्लोक है उसमें क्या है. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सु सर्वदा. तो स्टूडेंट्स, इस श्लोक में लॉर्ड गणपति की बात की हुई है. वक्रतुंड यानी मुड़ी हुई सूंड वाला, यानी कि कर्व्ड ट्रंक. महाकाय यानी कि बड़े शरीर वाला, बिग बॉडी. सूर्य कोटि समप्रभ यानी सूर्य कोटि समप्रभ, यानी ये तीन शब्दों से बना हुआ है, सूर्य कोटि और समप्रभ. सूर्य यानी कि सन, कोटि मतलब इक्वल, और समप्रभ का मतलब होता है सेपरेटर, यानी कि 100 सूर्यों के समान है गणपति. निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. निर्विघ्नं यानी कोई भी मुश्किलों के बिना. कुरु मे देव कीजिए, सर्वकार्येषु सर्वदा सब कार्यों को मंगल कीजिए बिना किसी परेशानी के. अब थर्ड श्लोक में देखते हैं. नमस्ते शारदे देवी वाणी पुस्तक धारिणी विद्यारंभम करिष्यामि प्रसन्ना भव सदा. यहाँ पे किसकी बात की है, माँ सरस्वती की बात यहाँ पे की है. नमस्ते शारदे, शारदे का मतलब यहाँ लॉर्ड सरस्वती है, ये सरस्वती माँ. वाणी पुस्तक धारिणी, यहाँ पे इन्होंने क्या धारण किया है, ये वीणा धारण की है. वीणा पुस्तक धारिणी, पुस्तक और वीणा को धारण करने वाली माँ सरस्वती को हमारा प्रणाम. विद्यारंभ करिष्यामि प्रसन्न भव सर्वदा, यानी विद्या का प्रारंभ करने वाली माता, आप हम पर सदा, सर्वदा यानी हर रोज डेली प्रसन्न रहो. यहाँ पर किया है, कहा गया है कि नमस्ते सरस्वती माँ, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, विद्या को आरंभ करने वाली हम पर सदा प्रसन्न रहो. तो स्टूडेंट्स, आप ये श्लोक को बोल के याद करना है. और आज का आपका होमवर्क है, से एंड राइट 3 times श्लोक इन योर संस्कृत नोटबुक. आपको ये श्लोक है वो बोल के 3 अपनी संस्कृत की नोटबुक में लिखने हैं. ओके स्टूडेंट्स, बाय.